सुबह के 11:30 बजने वाले हैं, वक्त है न्यूज रूम लाइव का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत सियासत की उस खबर के साथ जिस पर एक बारगी को आप भी सोचने पर विवश हो जाएंगे कि आखिर सियासत का ये रंग कौन सा है। चिराग पासवान ने कल रोड शो किया और नामांकन करने के पहले वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा तक पहुंचे, नमन किया, फूलों को अर्पित कर और उसी प्रतिमा को दूध से धोया गया है। दूध से प्रतिमा धोने जाने का वीडियो इस वक्त तेजी से वायरल है और इस वायरल वीडियो के बाद अब सवाल भी कई उठ रहे हैं। सबसे पहले जरा नजर इस तस्वीर पर दौड़ा लीजिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की ये प्रतिमा जिसे देखिए दूध से नहलाया जा रहा है और इसलिए कि ये अशुद्ध हो गई, अब इसे शुद्ध किया जा रहा है। शुद्ध और अशुद्ध वाली सियासत इस वक्त चुनाव में शुरू हो चुकी है। प्रतिमा धोने का चिराग पासवान ने खंडन भी किया कि आखिर ये किस तरीके से चीजें हो रही हैं, इसी मानसिकता के खिलाफ हमारी लड़ाई है जिसे हम लड़ते रहेंगे। चिराग पासवान पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाते हुए इस प्रतिमा को धोया जा रहा है। जो लोग इस प्रतिमा को धो रहे हैं भीम आर्मी संघ के नेता बताए जा रहे हैं और इन नेताओं का आरोप है कि चिराग पासवान जो हैं वो आरक्षण विरोधी हैं और इसीलिए इस मूर्ति को छूने का अधिकार उन्हें नहीं है और मूर्ति को अशुद्ध होने के बाद उसे अब शुद्ध किया जा रहा है दूध से नहलाकर, स्नान कराकर। हाजीपुर में अनावरपुर चौक पर बाबा साहेब की ये प्रतिमा जिसे कल पुष्प अर्पित कर नमन किया गया था चिराग पासवान की तरफ से और अब दूध से प्रतिमा धोए जाने का ये वीडियो बेहद तेजी से वायरल होता हुआ। विरोधी चिराग पासवान जो बाबा साहब अम्बेडकर जी को मूर्ति को छूने का काम किया है, इसके लिए हम लोगों ने बाबा साहब को मूर्ति को धो के शुद्धिकरण किया है। उसके छूने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे, इसलिए हम लोगों ने आज 51 किलो दूध से धोकर बाबा साहब को मूर्ति का शुद्धिकरण किया है और तमाम दलित तमाम पिछड़ी जाति का आरक्षण का स्वागत। हम लोग पूरे पासवान समाज चिराग पासवान के यहाँ से विरोध करते हैं। कोई भी पासवान समाज चिराग पासवान को अनवरपुर से वोट नहीं करेगा और हम यहाँ अपील करेंगे पूरे दलित समाज से कि आरक्षण विरोधी चिराग पासवान को वोट न करें ताकि आगे चल के हमारा संविधान, हमारी जो हक है वो बची रहे। तो हाजीपुर के अनवरपुर चौक की ये तस्वीर आप देख रहे थे जहाँ पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की ये प्रतिमा स्थापित की गई है और इसी प्रतिमा के पास चुनाव के दौरान अक्सर आप देखते होंगे कि राजनेता पहुंचते हैं, उस पर पुष्प अर्पित किया जाता है, उनके सिद्धांतों पर चलने के दावे किए जाते हैं, लेकिन इसी प्रतिमा को छूने को लेकर अब सियासत इस रूप में सामने आ रही है कि कहा जा रहा है कि आरक्षण विरोधी लोग प्रतिमा को न छूएं। चिराग पासवान ने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की, उन्होंने कहा कि इस मानसिकता से लड़ाई लड़ना ही सबसे बड़ी चुनौती और इससे हम लड़ते रहेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी लगातार ऐसी ही मानसिकता सामंती सोच वाले लोगों से लड़ रहे थे और आज भी इस लड़ाई की जरूरत है और इस लड़ाई में हम सब लगे हुए हैं और लड़ते रहेंगे क्योंकि इस मानसिकता को दूर करना बहुत जरूरी है। तो सियासत का ये रूप भी इन तस्वीरों के बाद सामने आ चुका है और हमारे साथ इस वक्त खुद राजू तिवारी जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत राजू तिवारी जी आपका, तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, क्या लग रहा है कि इस चुनाव के दौरान ऐसी सोच को बार बार जानबूझकर सामने लाया जाता है? देखिए महागठबंधन के जो अभी एक कुंठित सोच वाले लोग जिंदा है, ये लड़ाई ये जो धोने की और ये जो तथा कथित राजनीति किया गया है कल हाजीपुर में, इसी भावना का सब का विरोध हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने पूरी जीवन अपनी लगा दी इसके विरोध में। हमारे नेता संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान ने इसी का विरोध करते हुए, इसी सिद्धांत, इस टाइप के सिद्धांतों लोगों का विरोध करते हुए पूरी जीवन लगा दिया आपने। अब देख लीजिए महागठबंधन कहाँ उतर गया है। इसी तरह एक आपने देखा होगा जमुई में इस तरह से वो अपने सामने खड़ा करके अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा गाली दिलवाना और यहाँ तो हद हो गई कि दूध से धोना और गंगा जल से धोना, ये संस्कृति कहाँ की संस्कृति है इसके की यही लोग अभी तक जिंदा किए हैं महागठबंधन। राजू तिवारी जी, चूंकि आरोप ये लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान आरक्षण विरोधी हैं, क्या आरक्षण का बहाना बनाकर लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है? देखिए इनके पास कोई मुद्दा तो रहा नहीं,
चिराग पासवान इन लोग को याद नहीं होगा, एक चिराग पासवान लगातार कहीं ऐसा नहीं है, चिराग पासवान ने तो कहा है इस तरह के हम इस तरह से जो विरोधाभास तेजस्वी यादव कर रहे हैं, मैं नाम लेके बोला हूँ, उनके ऊपर हम लोग लीगल नोटिस करेंगे। इन लोग पास कोई मुद्दा नहीं है, देखा होगा आपने हिंदुस्तान में अभी भारत का जो अभी अमित शाह जी का फर्जी और इस तरह का ध्यान, इसलिए लोग टोटल लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा तो बचा नहीं और ना कहीं लड़ाई में भी हैं, ये लड़ाई से बाहर हो गए हैं। तो ये लोग पुराना वही जो सोच लोगों का दूर किया गया है उसी सोचों को, जिसकी लड़ाई हमारे नेता चिराग पासवान जी लड़ रहे हैं, जिसकी लड़ाई राजू तिवारी जी चुके। चिराग पासवान ने भी कहा कि भाई अगर अति हो जाएगा तो उसका अंत करना जरूरी है, और ऐसे ही अगर बयान आएंगे, ऐसे ही तस्वीरें सामने आएंगी, इस तरीके की टीका टिप्पणी होगी, तो फिर लीगल कार्रवाई का रास्ता अख्तियार करने का अधिकार भी हमारे पास है। एकदम लीगल हिंदू, यही तो संविधान हमारे निर्माता ने दिया हम लोग अधिकार, इस तरह से दुष्प्रचार करने वाले लोगों पर हम लोग लीगल एक्शन लेंगे, क्योंकि हद कर दिए हैं, लोग सीमा से बाहर हो गए हैं, और इस पे हम लोग अभी बैठक करेंगे हम नेता, और इस पे हम लोग लीगल एक्शन लेंगे। ये लोग मैं आपको बता रही, ये लोग विक्षिप्त लोग हैं, ये जो लोग हैं ये लोग विक्षिप्त हो चुके हैं, इन लोग पास कोई राजनीतिक मुद्दा, कोई लोग जनहित का मुद्दा नहीं रह गया, ये लोग विक्षिप्तता में ऐसा हरकत कर रहे हैं, ये समझिए इनको आने वाले चुनाव में पता नहीं चलेगा, ये लोग तहाई पार नहीं करेंगे। मैं ये आपके चैनल पे कह रहा हूँ, ये लोग दो एक जिस तरह से एक बार 23 सीट पे सिमट गए, इस बार इन लोग का पता नहीं रहेगा, लोकसभा चुनाव में 40-40 सीट इनको जनता जवाब दे रही है, और विधानसभा में ये लोग कहीं दिखेंगे नहीं, क्योंकि इन लोग की मानसिकता इतनी गंदी है, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजू तिवारी जी, LJPR के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनका सीधे तौर पर कहना था कि अब ऐसी मानसिकता के खिलाफ लड़ाई जो हमारी बहुत पहले से चली आ रही है और ज्यादा तेज होगी, मुखर होगी। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर बोला कि कोई छुपा कर नहीं, कुछ ढक कर नहीं, सीधे तौर पर मैं आरोप लगाता हूं कि RJD के लोगों की तरफ से ये कार्य किया गया है, और अब इनके खिलाफ लीगल कार्रवाई को लेकर अब बैठक होने जा रही है। LJPR की तरफ से ये बैठक होगी, और इस बैठक में एक फैसला जिसमें लीगल तरीके से आगे अब कैसे बढ़ा जाए इस पर चिंतन किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब जरा चिराग पासवान का भी बयान हम आपको सुनाते चलते हैं। चिराग पासवान ने ये तस्वीरें सामने आई, हालांकि इससे पहले भी चिराग पासवान कहते रहे कि ये जो हो रहा है वो अनुचित है, चुनाव अपनी जगह पर है, व्यक्ति विशेष को लेकर किसी तरह की टीका टिप्पणी वो भी भाषाई मर्यादा के बीच होनी चाहिए, और ऐसे में अब इस पर कार्रवाई भी करने का वक्त आ गया। क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने जरा वो भी सुन लीजिए। समाज के लोग जो है वह खोया था कल, ये सोच नीचे कीजिए भाई, ये सोच उसी मानसिकता को दर्शाती है जिस मानसिकता के खिलाफ हमेशा डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लड़ाई लड़ने का काम किया। ये वही सामंती मानसिकता है जिसके खिलाफ मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने लड़ाई लड़ी, और आज जब मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से जब मैं पूरे बिहारियों को एकजुट करने की बात करता हूँ, जात पात धर्म मजहब से उठकर बिहार और बिहारियों के विकास की बात करता हूँ, तो ये कांग्रेस और राजद के नेता, उनके समर्थक इस तरीके की जातिवादी भावनाओं को, छूत अछूत की भावनाओं को, इस तरीके के भेदभाव वाली भावनाओं को जब ये लोग भड़काने का काम करते हैं, तो ऐसे में वो सभ्य बिहारी भी देख रहे हैं, भले वो दलित समाज के हों, अगड़ा समाज के हों, पिछड़ा समाज के हों, मुसलमान हों, जो भी हो, हर जाति हर धर्म के लोग इस बात को भी देख रहे हैं कि बिहार में कौन भेदभाव की भावना को इस तरीके से भड़काने का काम कर रहा है। मैं बार बार कहता हूं, 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूं, इन बातों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो इस मानसिकता को बढ़ावा देते हैं उन्हीं लोगों ने बिहार को बर्बादी की कगार पर धकेला हुआ है। हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के फोटो को धोना उस पुराने सामंतवादी मानसिकता का परिचायक है जिससे कि पूरा देश लड़ रहा है, एनडीए लड़ रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी लड़ रहे हैं। हमारे दलित शोषित भाई जो हैं इसी छुआछूत से परेशान रहते हैं, और इसका सीधा कनेक्शन राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं का है। तो हम जनता से अपील करेंगे कि अपने वोट के चोट से इनको 4 जून को हराना
निश्चित करें ताकि ऐसी घटनाओं का पुनरावृत्ति ना हो सके। हाजीपुर में जो घटना हुई है, दूध से नहलाया गया है, धोया गया है बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मूर्ति को, ये किसने किया, क्यों किया, ये तो वहाँ के प्रशासन को बताना चाहिए, देखना चाहिए। इसमें तो राष्ट्रीय जनता दल कुछ नहीं कर सकती है। तेजस्वी यादव जी अपने कामों को लेकर के जनता के पास जा रहे हैं, उनका विश्वास जीत रहे हैं, इसलिए विपक्ष पूरा घबराया हुआ है।